नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है और हर एग्जाम में छोटे से लेकर बड़े, इनफैक्ट यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है उस पे भी डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। डाइस मतलब होता है हमारा पासा। जनरली लूडो सब लोगों ने खेला होता है, तो जो लूडो में हम फेंकते हैं ना, जो जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं उसे बोलते हैं हम डाइस और उसे ही बोलते हैं हम पासा। ठीक है, इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन बनने हैं तो मैं आपको क्वेश्चन से ही बता देती हूँ कि क्या इसमें आता है, कि अपोजिट कौन सा नंबर होगा। ओके, कि अगर एक साइड 5 आया है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा नंबर आएगा। तो ठीक है, अपोजिट कैसे नंबर निकालेंगे मैं आपको इनके सबके अपोजिट निकाल के बता देती हूँ। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे केवल 2 डाइस है, आप पे क्वेश्चन 3-4 डाइस का भी आ सकता है। तो 2 डाइस में क्या करते हैं 5। अभी यहाँ पे हमें देखना है कि कॉमन कौन सा आ रहा है। तो इन दोनों डाइस में 5 कॉमन है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 के नीचे हम 5 लिख लेंगे। उसके बाद दोनों को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अगर इसको क्लॉकवाइज देखा है तो इसको भी क्लॉकवाइज देखेंगे, तो इसी डायरेक्शन में। अब 5 के बाद यहाँ कितना है 3, और 5 के बाद यहाँ कितना है 1, और उसके बाद 3 के बाद यहाँ कितना है 2, और यहाँ 1 तक हो गए थे, 1 के बाद यहाँ कितना है 4। तो अब क्या होगा, अब देखिए अपोजिट नंबर की बात करें तो अगर ऊपरी ऊपर की साइड 3 आएगा तो नीचे 1 आएगा। 3 का अपोजिट 1 हो गया, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा, और 5, 5 का अपोजिट क्या होगा, क्वेश्चन ये होगा। तो जो लास्ट नंबर बच जाता है ना, 6 डाइस में हमें पता है कि 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 तो आ चुके हैं, तो जो छठवां नंबर बच गया वो है 6। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। इनमें से किसी भी नंबर का वो अपोजिट आपको पूछ सकता था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपोजिट कैसे निकालते हैं, बस कॉमन नंबर देखना, उसके बाद क्लॉकवाइज उनको उनके साथ के जो नंबर आ रहे हैं उनके अरेंज कर देना है और आपको आपका जो है अपोजिट नंबर पता चल जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और डाइस का जो ये अपोजिट वाला जो क्वेश्चन है इसी पे यही एक क्वेश्चन बनता है। इस पे जो बेस्ड और क्वेश्चन होंगे उन्हें मैं अगली वीडियो में कराने की कोशिश करूंगी। आई होप आपके लिए वीडियो ये हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड लक फॉर योर एग्जाम फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।